बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि वायरिंग कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ऊपर से पोर्ट लटे हैं, ये टीवी के लिए फ्रिज पॉइंट छोड़ा, ये एसी के लिए और ये लाइटों के लिए, ठीक है ना। दो वायर दो लटे हैं उनके लिए, ये हमारा न्यूट्रल हो गया लाइटों के लिए, और ये चार पॉइंट जो है ऊपर लाइटों के, क्योंकि ये सेंटर और वो सेंटर और वो सेंटर और ये सेंटर एक मुश्ता रहेगा, कोने में कोने वाला एक पॉइंट रहेगा, और इधर पट्टी वाला लाइट जो है तीसरा पॉइंट रहेगा। मैंने पहले चार तार डाल के रखा था, शायद वो सेंटर में कोई जुमर वगैरह लगाते हैं, लेकिन नहीं, उसने अभी तक तो कुछ नहीं कहा कि मैं नहीं लगवाऊंगा, तो एक को हम सेट कर देंगे। अभी मैं वायर इसकी कर रहा हूँ पैप की मदद से, जैसे कि ये पैप देख रहे हैं, इसको पैप को वहाँ पे लेके जाता हूँ, वहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, इस तरह करके। वायर पूरा घर का ख़त्म हो चुका था, तो मैंने एक ही कलर ले कर आया हूँ, ये कलर को एक एक करके ज्वाइंट कर रहा हूँ, ताकि मिक्सी ना आए, क्यों मुझे पता नहीं चलेगा ये कलर में, अगर अलग अलग कलर होता तो एक साथ में डाल के लेके जाता। अभी यूँ करूँगा, यहाँ लेके आऊँगा, यहाँ लेके आऊँगा, वहाँ से यहाँ, यहाँ लेके यहाँ जो पहले वाली तार है उसके साथ ज्वाइंट करूँगा, फिर उसको वापस इसी तरह लेके आऊँगा इस कोने में, जो कि जो ज़्यादा होगी मैं इसको वापस खींच लूँगा, क्योंकि जितना मेरे को वायर चाहिए उतना यूज़ करूँगा, ज़्यादा फालतू जो है नहीं जाएगा। अभी मैं पहले वायर डाल देता हूँ, फिर आप लोगों को कनेक्शन बताऊँगा किस तरह मैंने किए। मैंने वायर डाल लिया है, जैसे कि आप लोग देखते हैं, वहाँ से वो कोने वाला, ये कोने वाला, और एक जो है जो पट्टी वाला इस साइड में, साइड से हेडकोर वाला डालेंगे, वो तार को मैंने इधर से इधर तक ले आया हूँ पैप की मदद से, ताकि इधर निकाल के, इधर से निकाल कर कनेक्शन कर दूँ, पूरा घुमा दूँगा।
चलो आपको दिखाता हूँ मैं जोड़ कैसे लगाता हूँ। जैसे मैं ये तार लेके आ रहा हूँ, जैसे कि ये देखो, यहाँ से छील के इस कनेक्टर में लगा दूंगा, काटूंगा नहीं, तो ऊपर वाला जो है इसका प्लास्टिक जो है उतार के और मोड़ के उसके अंदर टाइट कर दूंगा। इसी तरह पूरा मैंने लगाया। मैं कनेक्टर यूज़ करता हूँ क्योंकि स्पॉट लाइट की बहुत बारीक तार होती है, क्योंकि छीलने पे टूट भी जाती है। जो उसके साथ होती है वो शोल्डिंग किया होता है, उसी को उसके अंदर रख के टाइट कर देता हूँ ताकि कटे ना तार। बहुत हल्की होती है स्पॉट लाइट की। स्पॉट लाइट भी लगाने के टाइम आप लोगों को दिखाऊंगा। पूरे घर में घर के अंदर जो है मैंने कनेक्टर यूज़ किया है, उसकी पूरे घर की मैं लाइटिंग जो है आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। पहले मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ, पहले छील लेता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। छील के मैंने, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ओके, अभी इसको इसके अंदर पेच ढीला करके इसके अंदर टाइट कर दूंगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अभी ये ज़्यादा तार जो है वापस उस जगह पे, ज़्यादा वायर वहाँ पे चलेगा। पहले इधर कोने में करूँगा, कोने में कनेक्शन करूँगा और उस कोने में ले जाके जो ज़्यादा होगी उसी के साथ वापस हो जाएगी। इस तरह पीस ज़ाया नहीं होएगा मेरा। इस तरह मैं तार डाल रहा हूँ। अभी उसके बाद कम्प्लीट होने के बाद मैं लाइटें लगाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे मैंने वो लाइटें लगानी है। ये मैंने वायरें पूरी डाल दी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये अभी ये साइड वाली है, अभी मैं ये पेचकस लूंगा, ऐसे इस तरह करके सुराख करूंगा। सुराख करके ये वाली तार जो है इधर लेके आऊंगा, यहाँ से ऐसे इस तरह करके यहाँ से ये मैं सुराख करूँगा। सुराख करके तार को इधर लेके आऊंगा न्यूट्रल, और ये फेस ये वाला। चलो मैं सुराख कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख से मैंने सुराख कर लिया, अभी ये वायर डाल के इसको इधर खींच के लाऊंगा। मैंने दो तारें निकाल लिए, ब्लैक कलर न्यूट्रल कर लिया और ब्लू जो है उसको फेस जो फिश से आ रहा है, इस तरह करके मैंने इसके अंदर ये कनेक्टर लगाऊंगा और न्यूट्रल यहाँ से दूंगा इस कनेक्टर से। पहले देख लूंगा कौन सा फेस है कौन सा न्यूट्रल, और न्यूट्रल वाली में ये वाली तार कनेक्ट करूंगा। इनको मैंने आपस में लगा दिया न्यूट्रल को, साथ में टेप भी लगा दी ताकि इसके साथ क्योंकि एक ही कलर है मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अभी इसके बाद मैं लाइटें लेके आऊँगा, लाइटें लगाऊंगा। कैसे लाइट लगाते हैं, पहले लाइटें लगा के उसके बाद ये जो उसके बटन है वो लगाऊंगा, स्विच वगैरह वो भी आप लोगों के साथ में दिखाऊंगा। साइड के लिए ये वाली लाइट मैं यूज़ करूंगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी वाली लाइट है ये वाली, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये लाइट इसके बाद इसको बंद करो, ये रहा। और बाकी ये लाइटें ये जो के साथ वाड़ की है, और एक जगह पे दो लगेंगे और इसकी पिन ये है। ये पिन कैसे लगाते हैं अभी आप लोग मैं दिखाता हूँ, दो निकाल लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये पिन जो है लगाने से पहले इसको थोड़ा दबा के लगाना, पहले मैंने दो तोड़ लिए, जैसे कि ये देख सकते हैं टूटा हुआ आप लोगों को नज़र आई, मैंने दबा दिया ऐसे जैसे है, जिस तरह है इसी तरह मैंने दबाया टूट गया। करना ये है पीछे से वायर से पकड़ के दोनों को
आगे दबाना है, जैसे कि ये आप लोग ये यहाँ से देखेंगे ये बाहर निकल आता है, इसको ऐसे दोनों को दबा के इस तरह हाथ में रख लेना। बाद में इसको जो है इस तरह करके हल्का सा करके इसके अंदर पुश कर देना, तो ये अंदर आराम से बैठ जाएगी, दिख रहा है आराम से। क्यों, ये लाइट जो है इसकी बहुत नाजुक है, ठीक है, जो आराम से टूट जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइट बना ले तो वो भी इसी तरह, पीछे से पहले इस जगह से आगे का दबाना है, ठीक है, इस तरह दबा के इस तरह करके, ये देखो इस तरह का। इसके बाद ये लॉक इस तरह निकालना, निकाल के इसके अंदर बैठाना, उसके बाद जो है लॉक ऊपर से ऐसे बैठा देना, देख सकते हैं लॉक ऐसे इस तरह निकाल लेना, इसको सेट किया, लाइट इसके अंदर रखने के बाद इसी तरह हल्का सा दबा के इसके अंदर ये कट बना हुआ इसके अंदर बैठ जाएगा। उसके बाद एक लाइट की ये लेनी है और एक वायर कोई भी एक ये ले लेनी है। लेने के बाद इसको इस तरह निकाल के इसको इस तरह बेंड कर देना, ओके, इसी तरह दूसरे को। फिर उसके कनेक्टर जो है मैं 16 का यूज़ किया है, जिसमें ये आराम से आ जाते हैं दोनों, इस तरह अंदर डाल के ऊपर से पेच टाइट कर देना इसको भी इसी तरह, लेकिन लेना एक एक करके, ये देख सकते हैं इस तरह करके, जैसे कि देख सकते हैं एक वायर उसकी है एक वायर उसकी है, ठीक है। ऊपर मैं लगा के भी आप लोगों को दिखा दूँगा। इसके अंदर कनेक्टर के अंदर मैं आप लोग, जैसे कि एक बार ये ले लिया, उसको पहले ही बैंड कर लिया मैंने, उसके बाद इसको पकड़ना है, सबसे पहले इसको खोलेंगे इसके अंदर। ये वाले लॉक जो है इसको एक हाथ से, एक हाथ इस साइड में इस साइड में यूं करके इस तरह करके हल्का से आगे करके हाथ बचाना, तो इसकी चोट बहुत बुरी लगती है। तारों को फिर ऊपर का लेना ताकि किसी के साथ टच ना हो, और इसको जो सीधा करके इस तरह रास्ता से बैठा देना। ये हमारी लाइट बैठ गई, ओके, लाइटें मैंने पूरी बैठा दी हैं। अभी साइड वाली ये लाइट जो है इसको बैठाऊंगा, इसका जो है कनेक्टर कैसे बनाते हैं आप लोगों को बताता हूँ। ये लॉक वाला, ये कहता है क्या कहते हैं पिन वाला, उसको थोड़ा देख के बटाना पड़ता है, मनफी प्लस जो है उसको देख के, लेकिन इसमें आप उल्टा नहीं बैठा सकते, क्योंकि एक साइड से ओपन है दूसरी साइड से बंद है, ये देख सकते हैं इस साइड से उल्टा बैठाएंगे तो नहीं बैठेगा। इसके अंदर जो है एक, ये देख सकते हैं मनफी और प्लस, इसको बैठाने के लिए इसके अंदर इस तरह उल्टा करके देख सकते हैं ये लाइट, और ये देख सकते हैं इस करके ऐसे इस तरह करके बैठा के इसको इस तरह लॉक कर देना है, दबा दिए लॉक हो गया। अभी ये खींचने पे बाहर नहीं आएगा, पिन वाला जो होता है उसका थोड़ा उसको टेप वगैरह लगाना पड़ता है, लॉक नहीं होता, इस तरह लगा के उसको लॉक कर देना, ठीक है। मैं ऊपर बैठा देता हूँ, फिर आप लोगों की चालू लाइटें चालू कर सकता हूँ किस तरह मैंने लगाई, और बाकी ये तारे हैं उनको भी इस तरह करके कनेक्टर के अंदर बैठाना है, जैसे कि ये
इस तरफ बेंड करके इसको थोड़ा मैं छील लूँगा, थोड़ा लंबा कर लूँगा ताकि आराम से कनेक्टर के अंदर आ जाए। इतनी सी काफ़ी है, इस तरह कनेक्टर के अंदर आराम से नहीं बैठा सकता। इसको बैठाने के टाइम ये ध्यान रखना कि जो उसका अंदर वाला वायर है वो लाजमी इसके साथ टैच हो जाए। टाइट करने के टाइम ये लाजमी ध्यान, क्योंकि एक कभी किसी बार साइड पे हो जाता है, अटैच नहीं होता तो लाइट चालू नहीं होती, तो फिर परेशानी होती है कि क्यों नहीं चालू हो रही। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ज़्यादा वायर जो है इसको अंदर कर दूँगा, खाली कनेक्टर तक रहेगा। इस तरह कर दिया, उसके बाद जो है लाइट को इस तरह रखना है साइड पे, जैसे कि ये देख सकते हैं इस तरह, ताकि रोशनी जो है इस साइड में निकले। लाइट को बढ़ा देंगे इसी तरह, इसको इस तरह घुमाते जाएंगे, लाइट जो है इस साइड पे निकलती जाएगी। इसको मैंने बैठा लिया पूरा, अभी इसको काटने का क्या तरीकेकार है ये देख सकते हैं लोग। ये देखें, ये निशान बना हुआ कंजी का भी, इसके सेंटर से काटना है। ये पॉइंट दो इधर रह जाएंगे, दो इधर रह जाएंगे। मैं कटर से इससे काटूंगा इस तरह करके, इस तरह काट लेना। दूसरा वाला नीचे गिर गया, अभी इसके ऊपर टेप भी लगा देना है सामने, क्योंकि हाथ हो अगर दोबारा कहीं आके इधर हाथ उठना लगे या किसी चीज़ के साथ टच नहीं हो। वैसे तो ऊपर कोई ऐसी लोहे वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी टेप लगा देंगे बेहतर है। इसके मैं कनेक्शन करने लगा हमारी लाइटों के लिए और फिश के लिए। ये तीन वायर आ रही है, ये मैं अब तीन बनाऊंगा, ये फेस न्यूट्रल बनाऊंगा और ये फेस, यानी ये दोनों फेस, ये न्यूट्रल, और लाइटों में से ये ब्लैक कलर में इस तरह करके न्यूट्रल बना लूँगा। ये फेस जो है इनके साथ लगाऊंगा, और आगे जो है ये दो कलर जा रहे हैं फिश जो है, जैसे लगा लेता हूँ फिर आप लोग बताता हूँ। न्यूट्रल वाली तार को मैंने इस तरह कर लिया, जो लाइटों की न्यूट्रल है इसको इसके अंदर सुराख करके आधा उधर करके आधा इधर करके इसको इस तरह करके बैंड कर दूँगा, ताकि खींचने पे निकले नहीं, जोड़ भी हमारा मजबूत रहे। इस तरीके से आधा इधर आधा इधर, इसी तरह दूसरे वाला इसके ऊपर लपेट दूँगा। देख सकते हैं इसको लपेटने से ये मजबूत हो जाएगा, अगर खींचेंगे तो ये निकलेगा नहीं। जोड़ जो है जैसे कि ये पैप है इसके अंदर, उसी तरह इसके उस साइड में भी एक फिश है, उस तरफ मैं तार लेके जा रहा हूँ। जोड़ इस तरह लगाया कि पैप के अंदर आ जाए, ताकि इस डब्बी में ज़्यादा रश ना हो किसी चीज़ का। इस तरह ये वायर हमारी वो आ रही है, इस तरह बाहर भी चले गई, और ये न्यूट्रल थोड़ा ज़्यादा है, इसको ऊपर कर देंगे। आगे वाला आपको बाद में दिखाता हूँ, बस वही वाला न्यूट्रल जो है यहाँ निकला, यहाँ से आके फिर इसमें आएगा, जिस तरह ये है इसको इस तरह जो है बेंड करके बिना काटे, क्योंकि अगर मैं सबके जोड़ वहाँ पे लगाता तो बहुत ज़्यादा तार हो जाती, इसलिए ये तार को जो है इस तरह बैंड करके फिर इसको वापस ये लेके जा रहा हूँ न्यूट्रल टीवी वाली जगह पे। ठीक हो गया, यहाँ पे ये फिश ऐसे आएंगे, दो फिश। फेस जो है रेड कलर में आ रहा है, ठीक है, और लाइटों के लिए मैंने यहाँ से जोड़ लगा के इसके इस साइड में कर दिया ऐसे करके, ताकि जोड़ न्यूट्रल का इधर जोड़ आ गया, फेस का इधर आ गया,
यानी एक जगह पे जोड़ हमेशा याद रखेंगे, एक जगह पे नहीं आने चाहिए, लदा लदा होने चाहिए। ठीक हो गया। ये मैंने था छोटे वाला ढाई मिली का, ढाई एम एम का जो है लैटोकलियन का लिया, और चार मिली जो है ये फिशों के लिए रखा, पीछे से चार मिली आ रहा है। अभी यहाँ पे फिश आएगा एक बटन लैटो के लिए, और एक यहाँ पे एसी का आएगा, ठीक है ना। अभी ये फिश जो है उस साइड में लेके जाऊंगा, वहाँ से इधर लेके आऊँगा। इस तरह हमारा रेड कलर का भी तार यहाँ आ गया, यहाँ यहाँ से वापस फिर उस फिश पे जो टीवी के लिए रखा हुआ है उस तरफ लेके जाऊँगा। अर्थिंग वाला कलर जो मेरे पास नहीं था, लेकिन ब्लैक वाला जो है ढाई मिली का मैंने अर्थिंग पे यूज़ किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल फेस अर्थिंग, ठीक हो गया। और मैंने जोड़ कहीं भी लगाया था कि रश का जो मैंने यहाँ पे लैटो के लिए फेस छोड़ा था उसको ये वाले मैं यूज़ किया दो बार, क्योंकि चार लैटे हमारी है, चार चार पॉइंट, एक बायर ये वाला बायर है, बाकी तीन इधर ऊपर है, ठीक है, उनकी तीर बार है, एक दो तीन चार, दो दो मैंने लगाए। और फेस जो है इस तरह पर लगाया, जहाँ कामन लिखा हुआ है वहाँ पे कनेक्टर कर दिया, जैसे कि ये देख सकते हैं, ठीक है। अब इनको जो है जहाँ खाली जगह है तरतीब बाय मैं लगा दूँगा, हमारी लाइटिंग जगह से ऑन ऑफ होगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और एसी का पार्ट मैं बाद में लगाता हूँ। जो बाहर से दो वायर आ रही थी ऊपर थे मेन, वो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे टीवी का पॉइंट है, ठीक है ना। अभी पूछूंगा कि दो फिश लगाने या तीन लगाने, हमारे पास वायर काफ़ी है, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, उसी तरह ज्वाइंट करता जाऊँगा, अगर दो भी हो तो भी, अगर तीन हुए तो भी, इनको मैं बाद में लगाऊँगा, पहले लाइटिंग कनेक्शन कर लूँ, फिर आप लोगों को चालू करके दिखाता हूँ। ये भी कंप्लीट हुआ लगा के, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दो तार इसी कलर में है, दोनों कलर एक जैसे ही, लेकिन मैंने देख लिया किस में पावर है किस में एसी में सप्लाई कौन सी जा रही, ये ऊपर इंग है ये दोनों, और नीचे आउट दोनों, उनकी मैं तारों को टेप लगा कर रख दिया ताकि पीछे से पावर दूंगा तो पहले साथ में ही बैठे। और ये फिश है न्यूट्रल फेस अर्थिंग, ये देख सकते हैं सब मैंने ऐसे ही लगाए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अर्थिंग वाला कलर मैंने ब्लैक में ही यूज़ किया है, ये सब फिश है, ठीक है। अभी मैं पावर पीसेस में दे के फिर आप लोगों को लाइटें चालू करके दिखाता हूँ। इसको मैंने दे दिया, जैसे कि अभी देख सकते हैं ये चार कोने में चालू हो गया, और दूसरा दबाएंगे इस साइड वाली दे सकते हैं, और एक और दबाएंगे ये सेंटर वाला, और एक बार वाला बार भी आप लोगों को दिखा दूँ, ये वाला ये लाइट दे सकते हैं, ये डिकोरिंग वाला। अभी जो है इनको मैं ठीक इस तरह करूँगा कि ये लाइट जो है जैसे कि ये सेंटर वाली इसके साथ करूँगा, और जो साइड वाली है ये वाली है इसको एक साइड में लेके जाऊँगा, उसके बाद मैं इस्तेमाल लगा दूंगा। एसी का भी करंट चालू हो गया और इनका भी हो गया, इनको सबको मैं इस्तेमाल लगा के फाइनल कर लूँगा। जब फिश को लगाने लगे तो इतना ध्यान रखें कि इस जगह में इस्तेमाल वाली जगह पे तार ना होए, दूसरे नंबर पे कील इस्तेमाल जितना लगता है उतना ही लगाएं, लंबा ज़्यादा नहीं लगाएं, क्योंकि तार टाइम ये डैमेज कर देता है। इसके साथ वाले जो है चूड़ी फ्री हो जाती है थोड़ी देर बाद, तो मैं ये छोटे लाऊंगा। दूसरे नंबर पे ये मैं वायर जो है इसके नीचे नहीं आने दूंगा। एसी का जो ऑन ऑफ वाला है स्विच है, इसको लाजमी किसी बड़े पेचकस के टेस्टर की मदद से सिर्फ मैंने मिलाया था, अभी इसको इसके मदद से इसको अच्छी तरह टाइट कर दूंगा। और जिस तरह मैंने आज वीडियो बनाई, अगर आप गौर से देख के बहुत
बहुत आसान है वायरिंग करनी, नया वायरिंग करना बहुत आसान है। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आप वायरिंग करना खुद ही सीख जाएंगे, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है नई वायरिंग करना, क्योंकि खुद को पता होता कौन सी वायर कैसे डाली है। मैंने एक ही कलर डाला, देखा कैसे कैसे एक एक पीस करके डाला था, ठीक है ना। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे काफ़ी नॉलेज मिला होगा, और कोशिश करें कि सीखने की, खुद काम करने की, फिर आदमी जल्दी सीखता है। मैंने पूरे लगा दिए, यहाँ तक ये मैं वीडियो क्लोज करूँगा, ज़्यादा बना रहा हूँ कि बहुत लंबी हो जा रही है। बाकी पे पूरे घर की जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।